हेलो फ्रेंड्स, आज है 1 अक्टूबर 2020 थर्सडे और हम लोग जा रहे हैं UGB बैंक, जो कि हमारे घर से 4 किलोमीटर दूरी पर है कोलाविरा में। कोलाविरा हमारे गांव का ब्लॉक है, तो UGB बैंक का अकाउंट अपडेट करना है, इसीलिए हम लोग 11:30 बजे निकले हैं। और ये देखिए हमारे गांव का एक छोटा सा नज़ारा, और चारों तरफ बस हरियाली है। कुछ कुछ खेतों में तो धान भी हो गए हैं, धान काटने की टाइम भी आ रहा है, अगले ही महीने धान काटने लगेंगे लोग। और हम लोग जहाँ पर रहते हैं वो मेरी मम्मी का मायका है, हमारा अपना घर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और हम लोग बचपन से यहाँ रहते हैं क्योंकि यहाँ सारी सुविधाएं हैं। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को रास्ते में, इसी रास्ते में ही तहसील ऑफिस है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिस है, और हमारे इस गांव में जहाँ हम रहते हैं RI ऑफिस है, और स्कूल तो हमारे घर के पास ही है, बस 5 मीटर की दूरी पर। और इसीलिए मेरे पापा भी बोले कि हम यहाँ रुक जाते हैं बोल के, और सब हम यहाँ पढ़ाई किए हैं। ये है तहसील ऑफिस, सॉरी ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिस है, और ये तहसील ऑफिस बस। और कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे UGB बैंक। ये आ गया UGB बैंक, और वहाँ काम नहीं हुआ तो हम लोग फिर अपने गांव आए थे, क्योंकि अकाउंट बहुत दिनों से क्लोज हो गया है, कंटिन्यू नहीं था, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था। तो KYC फिलअप करने के लिए बोले, और KYC फिलअप करने के बाद फिर 1000 रुपया डिपॉजिट करने को बोले, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था, तो ATM गए हम लोग पैसा निकालने। ATM में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, पैसा नहीं निकाल पाए, तो फिर घर आए थे, लंच करके फिर हम गए थे। और ये सैनिटाइज कर रहे हैं, और ये देखिए अभी शाम के 4:30 बजा है, और हमारे गाय को लेने जा रहे हैं ये। और ये है हमारा स्कूल घर के पूरा पास, इसका रिपेयरिंग हो रहा है, यहाँ काम कर रहे हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होती है। तो गाय लेने के लिए देखिए वहाँ हमारी बेटी, दोनों बेटियाँ खड़ी हैं डंडा लेके, और वो रही है हमारी गाय। पीछे पीछे मेरी बहन भी आ रही है, और मेरे नाना जी भी गए थे इसका रस्सी खोलने के लिए, और ये इतना तेज दौड़ती है कि इधर उधर भाग जाती है, तो सब जगह जगह ऐसे खड़े रहते हैं। और यहाँ मेरी मम्मी भी एक साड़ी लेके खड़ी है, अभी इसको बांधेंगे। ये लोग चाय पी के ही निकले थे गाय लेने के लिए, वो रहे मेरे नाना जी, वो भी आ रहे हैं। आज डिनर में आमलेट बनाए थे, मेरी बहन बना रही थी तो इसका फ़ोटो मैंने खींच लिया था, और वीडियो नहीं बना पाई। तो बस आज के लिए इतना ही था, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।